आप देख रहे हैं शिखावाटी की खास खबरें। सीकर के लाडली शिल्पकला में महारत हासिल करने वाले इरशाद हुसैन फारूकी का आकस्मिक निधन, गमगीन माहौल में किया गया सुपुर्द खाक। वन मंत्री आए सीकर, स्मृति वन में अधिकारियों से की प्रोजेक्ट को लेकर वार्ता, नया ट्रैक और ओपन थिएटर बनाया जाएगा। बस डिपो में पुलिस और प्रशासन की मॉक ड्रिल, अचानक हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप। ज्वेलर की दुकान से बंगाली कारीगर ले भागे 6 लाख का सोना, खाना खाने का नाम लेकर गए थे, वापस नहीं लौटे कारीगर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अंचल में मौसम का फिर पलटवार, दिन भर छाए रहे बादल, कई स्थानों पर हुई हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं ने ठिठुराया। भाजपा के पुराने नेताओं में से एक और पूर्व पार्षद अर्जुनलाल झाजुका का निधन, भाजपा नेताओं ने जताया शोक। सीकर की कोचिंग संस्था CLC ने मनाया 24वां स्थापना दिवस, अभिभावक सम्मान एवं अपनों का अपने से मिलन कार्यक्रम अभ्युदय का हुआ आयोजन। सीकर के संस्कृत कॉलेज में मनाया गया संस्था का वार्षिकोत्सव, कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। जिला आयोजना समिति की बैठक, सदस्यों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, कृषि सहित सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर की चर्चा। मुकुंदगढ़ की रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन। मुकुंदगढ़ के डुमरा गांव के शहीद सूबेदार मोहनलाल महला के 20वें शहादत दिवस पर लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। उदयपुर वाडी में SDM कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी पर वसूली करने का आरोप, अभिभाषक संघ ने दिया ज्ञापन। मुकुंदगढ़ के कानोरिया स्कूल में अभिभावक सम्मेलन व CA सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस की सफिया खान के विजय होने पर कांग्रेस ने जताई खुशी। और सीकर के सहकारी उपभोक्ता भंडार में भ्रष्टाचार का आरोप, 21 दिन से चल रहा है धरना, मांगों को लेकर निकाला मशाल जुलूस। शिखावाटी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए शिखावाटी अब तक चैनल, शिखावाटी अब तक के YouTube चैनल और Facebook पेज पर।